दोस्तों, खबर जरा पुरानी है लेकिन हमारे समाज और सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली है। यूपी के गोरखपुर जिले में एक गांव है भठट, वहां 13 लोगों को एड्स हो गए हैं। इन सब के एड्स की एक ही वजह है, रिश्वत। इससे पहले कि आप एड्स और रिश्वत की पहेली सॉल्व करें, इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। करीब 6 साल पहले एक 24 बरस की दुल्हन ब्याह कर इस गांव आई थी। पति मुंबई में रहता था, उसका पति वहां किसी कारखाने में काम करता था। शादी के 3 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। कोई बच्चा हुआ नहीं था, मदद करने वाला भी कोई नहीं था। उसने सोचा कि राशन कार्ड और विधवा पेंशन मिल जाए तो बड़ी सहूलियत हो जाएगी। ये सब कैसे मिले, इसके लिए उसने एक जानकार से मदद मांगी। वो शख्स रोजगार सेवक था। रोजगार सेवक महिला को प्रधान के पास ले गया। प्रधान ने उसे सेक्रेटरी से मिलवाया। इन तीनों के अलावा 9 बिचौलिए भी मिले उसको। सबने मदद देने का वादा किया, कहा काम करा देंगे, बस थोड़ी रिश्वत दे दो। काम करवाना है तो हमारे साथ सोना होगा। शायद उस औरत के पास यही एक चारा बचा हो। उसने संबंध बना लिया। जिन 13 लोगों को एड्स हुआ है, उन सबने महिला की मदद के बहाने उसका शोषण किया था, उसके साथ सेक्स किया था। ये सब करीब 3 साल तक चलता रहा। ये 13 लोग उससे रिश्वत लेते रहे, उसका शोषण करते रहे। फिर करीब 3 महीने पहले वो औरत बीमार हो गई। उसने प्रधान को बताया। प्रधान ने किसी नीम हकीम से इलाज करवा दिया, फायदा कुछ हुआ नहीं। फिर एक डॉक्टर के पास ले गए, खून की जांच हुई, रिपोर्ट आई तो प्रधान के होश फाख्ता हो गए। महिला को एड्स था। रिश्वत लेने वाले सभी लोगों के होश हो गए। बीआरडी कॉलेज में दोबारा उसकी जांच करवाई गई, वहां भी जांच का नतीजा वही आया। ये खबर गांव में फैल गई। जितने भी लोगों ने मदद के बहाने उसके साथ सेक्स किया था, सबने अपना अपना टेस्ट करवाया। सभी 13 के 13 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। उस महिला को शायद अपने पति से ही ये बीमारी लगी होगी। शायद पति की मौत भी इसी बीमारी की वजह से हुई होगी। उसे खुद कुछ पता नहीं था। रिश्वत लेने वालों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये बीमारी बीच में ना आई हुई होती तो शायद इस मामले का खुलासा भी नहीं होता। कोई कभी नहीं जान पाता कि एक अकेली औरत को राशन कार्ड और विधवा पेंशन जैसी जरूरी सरकारी मदद पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हर महीने मिलने वाले कुछ किलो अनाज के लिए 13 लोगों के साथ सोना पड़ता है, उनके हाथों अपना शोषण करवाना पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने जैसा किया वैसी सजा मिली। कह रहे हैं कि कर्म का फल तो इसी जीवन में मिल जाता है। हो सकता है कि उन 13 लोगों के मामले में ये बात सही लगे, मगर उस औरत की क्या गलती थी कि उसे अपने पति से एड्स मिला, फिर इतने लोगों के हाथों शोषण हुआ उसका। और इन 13 लोगों ने इस बीच में जब अपनी पत्नियों के साथ सेक्स किया होगा तो क्या कंडोम पहना होगा, इसकी 1% भी उम्मीद नहीं दिखती। तो क्या वो औरतें भी एड्स का शिकार हो गई होंगी बिना गलती के? और जो इस बीच इनमें से कोई प्रेग्नेंट हुई होगी तो उस बच्चे का क्या हुआ होगा? इसे कर्म फल कहना भी ठीक नहीं है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गांव में कितने लोग एड्स के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इतना पता जरूर चल गया है दोस्तों कि हमारा सिस्टम एड्स से भी ज्यादा लाइलाज है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट कर जरूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम है।